Perfect. The first page of my reply notice to Ripu Sudan, aka Raj Kundra, and Shilpa Shetty Kundra, with reference to their defamation notice. Yani kab tak, for how long will you scare me, intimidate me, for how long? Huh? Just because you have the power of money, you think you can get away with sexual exploitation, rape, criminal conspiracy, criminal intimidation, cheating, fraud. You can get away with all this just because you have money. Samvidhan ne hum sab ko haq diye hain. Aap aise dusron ke haq ka ullanghan nahi kar sakte hain. Jab chahe topi nahi pehna sakte hain. So, हमने ये जो रिप्लाई नोटिस भेजी है इसमें साफ साफ लिखा है कि देखो आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है, आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन फैक्ट ये है, आप बोल रहे हैं कि आप रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हैं लेकिन सच्चाई ये है. हमने उनको आईना दिखाया. मैं बहुत जल्द जाऊंगी जीव पुलिस चौकी, पता लगाऊंगी कि आखिर मुझे कब बुलाएंगे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि एक बार जब शिकायत की कॉग्निजेंस लेंगे तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी ना, जांच पड़ताल शुरू होगी. अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं जाकर अपने स्टेटमेंट का बयान दूँ. आप नहीं कह सकते कि नहीं हम बयान नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे आप बयान? मेरी शिकायत है, आप प्लीज़ बयान लीजिए, आप प्लीज़ जांच पड़ताल शुरू कीजिए. मैंने कहा मुंबई पुलिस से कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज़ मुझे जल्दी बुलाइए, मेरे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग लीजिए. एंड उन्होंने कहा कि हाँ हम बुलाएंगे, आप विश्वास रखें हम बुलाएंगे आपको. तो विश्वास कायम है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ. मुंबई पुलिस, आप प्लीज़ बुलाइए जल्दी.